यहाँ पर साफ तस्वीरों में जम्मू कश्मीर पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। तमाम लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जो है यहाँ पर हटाने का काम जो है शुरू हो चुका है। कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया है और कुछ लोगों को हटाने का काम जो है जगह से जो है वो हटने का नाम जो है वो नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर लाठी चार्ज दोबारा से जो है वो किया जाए, क्योंकि एक बार किया गया है यहाँ पर और कुछ गिरफ्तारियां भी यहाँ पर हुई हैं। और फिर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक्शन में जो है वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधा दृश्य। यहाँ पर लगातार पुलिस द्वारा जो है वो बातचीत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन लोग जो है तमाम जो पीएचसी एम्प्लॉइज हैं घर से जैसे लेकिन यहाँ पर पीएचसी एम्प्लॉइज जो है वो तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बार अपना ट्रक लेकर ही जो है यहाँ से ऊपर जो है सड़कों से जो है वो प्रस्थान करेंगे। लेकिन फिलहाल ये पूरी ये डोगरा चौक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूरा डोगरा चौक जो है वो पूरा जाम कर दिया गया। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर चारों तरफ से रोड जो है वो ब्लॉक किया गया है, यानी कि एक भी गाड़ी जो है यहाँ से नहीं आ सकती। आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर आप इंसाफ कर दो, बता दो हमें कहाँ बैठे लगातार ये कोई पानी बंद करने का बहुत बुरा आई जो मेरे थे। हाँ जी मैंने तोड़ा थे तोड़े थे ही नहीं के साथ दिल्ली मेजर घर से भूखे पेट आया था रेवोल्यूशन पार्टी के लिए डंडे खाकर जा रहा है। तो यहाँ पर पुलिस द्वारा जो है वो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों से जो है वो बात की जाए और ट्रैफिक कहीं ना कहीं रिज्यूम किया जाए, लेकिन यहाँ पर फिलहाल पुलिस का प्रयास भी कहीं ना कहीं विफल होता जो है वो नजर आ रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था की है हर वो तरीके से जो सुचारू रूप से चाहे पानी हो चाहे बिजली हो चाहे साफ सफाई हो उसके साथ साथ और भी जितने महकमे हैं तमाम महकमों का कार्यभार डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स चलाने वाला है। और जब वो हक के लिए बाहर निकलता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। मेरे एक साथी को जो है घायल किया गया है, तब तक हम सड़कों से नहीं उठेंगे जहाँ तो जब तक सरकार तमाम डेली वेजर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी हो। सर पे कफन बांध चुके हैं, आपके पास लाठी है आपके पास गोली है, आप लाठी चलाइए या गोली चलाइए डेली वेजर्स अब अपना हक लिए बिना जहाँ से पीछे हटने वाला नहीं है। क्या लगता है एलजी साहब की तरफ से कोई ना कोई रिस्पांस नजर आएगा आज के प्रदर्शन के? बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें अधिकार देता है कि मजदूर जिस दायरे में रह के अपनी आवाज उठा सकता है ये बिल्कुल जेनुअल तरीका है, क्योंकि लगातार मैं कहूँ कि 7 महीने से अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं और 1 महीने से जो समय दिया गया था सरकार को कि 26 जनवरी तक डेली वेजर्स के हक में फैसला लाए, वरना 28 तारीख को डेली वेजर्स रोडों पे है और उसका नतीजा है कि हम लोग रोडों पे पहुंच चुके हैं। अब सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार डेली वेजर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी लाती है या लाठियां या गोली का इंतजाम करती है, क्योंकि खाना हम खाएंगे नहीं। स्पष्ट मैसेज है भूखे प्यासे जो हजारों की तादाद में ये मेरी माताएं मेरी बहनें जो है ग्राउंड पे रोड पे आके बैठे हैं
बड़े शर्म की बात है कि कहाँ है जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। अमित शाह जी ने जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर के सुनहरे दिन होंगे, हालात खुशहाली होगी, हरियाली होगी, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि बदहाली हो गई। सुनहरे सपने हमें मत दिखाइए, हमारे पुराने दिन ही हमें लौटा दीजिए, जो डेली वेजेस 20 सालों से 22 सालों से 25 सालों से सेवाएं करते आ रहा है, लेकिन आज भी दो वक्त के खाने से महरूम है। उसके बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एजुकेशन से महरूम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सीधा सीधा अल्टीमेटम है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान कर दीजिए, वरना डेली वेजर सर पे कफन बांध के अब रोड़ों का रुख कर चुका है। आपके पाले में गेंद है, आप गोली चलाइए, लाठी चलाइए, जो आपके हथकंडा बनता है। क्या लगता है, यही वो अच्छे दिन है जिनकी बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं? अब प्रधानमंत्री जी का आपने जिक्र किया है तो मैं जरूर इस बात को दोहराऊंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और उधमपुर की ऑन मीडिया रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि दो ही बड़े मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, एक तो धारा 370 और 35 से को हटाना और दूसरा ये 61,000 डेली वेजर्स को रेगुलाइज करना। जब धारा 370 हटाई गई, एक जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया, तो हमें कहीं ना कहीं राहत पहुंची। हमने वेलकम किया कि शायद सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरा वादा किया है वो भी जल्द होने वाला है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कमेटियों पे कमेटियां वो जरूर बनाई जा रही हैं, लेकिन डेली वेजर आज भी अपने बच्चों के भविष्य को इस अंधेर नगरी में हाथ में दीपक लेके ढूंढ रहा है। और ये सीधा सीधा अल्टीमेटम है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं है, आप रेगुलेशन पॉलिसी दीजिए, मिनिमम वेजी जख्त दीजिए, या फिर जो लाठियां हैं या गोली है जो आपके पास है वो बरसाइए। और इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जरूर जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर क्राउन ऑफ दी कंट्री है, जो हिंदुस्तान का ताज है, और वहाँ की ये जनता, ये कोई पाक रिफ्यूजी नहीं है हम कि जो आके इधर अपना हक मांग रहे हैं, ये हमने जहाँ पर पानी पिलाया है, साफ सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखा है, बिजली सुचारू रूप से चलाई है, हर उस कार्य में मेरे डेली वेजर भाइयों ने अपनी जाने तक गवाई है, और जिन लोगों ने जाने गवाई है वो अभी आज भुखमरी की कगार पे हैं। सीधा मैसेज है कि सरकार रेगुलेशन पॉलिसी लाए या जो हथकंडा अपनाना है वो अपनाए, डेली वेजर अब पीछे हटने वाले नहीं। तो यहाँ पर तमाम डेली वेजर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरा प्रयास कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को जो है यहाँ से हटाया जाए, लेकिन लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल डस से मस जो है वो नहीं हो रहे, और महिलाएं भी यहाँ पर आप देखें यहाँ पर प्रदर्शन में जो है यहाँ पर बैठी हुई है। तादाद आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे शुरू से लेके पहले थी वैसी ही तादाद अभी भी जो है यहाँ पर पीएचई एम्प्लॉयज की जो है वो उतनी ही तादाद है, बिल्कुल भी यहाँ पर लोगों का नहीं, नहीं, चारों तरफ से रोड जो है यहाँ पर इस साइड से आप देखिए यहाँ पर ये जो रोड एक जाता है सीधा गुजर नगर की तरफ, फॉर्चून होटल की तरफ, ये भी रोड पूरा जो है वो ब्लॉक किया गया है। और दूसरी तरफ से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जैसे तभी ब्रिज से हम नीचे आते हैं, एशिया होटल से हम जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ से, ये भी पूरा रोड जो है जाम किया गया है, और गाड़ियाँ आप देखें यहाँ पर किस तरीके से कितनी सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर रुकी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर पीएचई एम्प्लॉयज़ जो है लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनका जो हक है वो उनको दिया जाए। और यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए यहाँ पर कितनी तादाद है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के तमाम जो पीएचई एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तादाद में तमाम पीएचई एम्प्लॉयज़ जो है अपने हक के लिए, अपने मांगों को लेकर जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं।